स्टूडेंट्स, तो लास्ट वीडियो में हमने स्टडी किया था क्लास 8 का चैप्टर नंबर 5, लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। आप जो है किसी भी क्लास का कोई भी स्टूडेंट ये वाला चैप्टर स्टडी कर सकता है, क्योंकि ये कॉमन रहता है क्लास 10th तक, जो कि है हमारा लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। तो इसके अंदर हमने ह्यूमन आई तक स्टडी किया था। इसमें इसको हम स्टडी करेंगे जैसे इसके इम्पॉर्टेंट पार्ट्स को। सबसे फर्स्ट पार्ट है हमारे पास सिलरी। मसल कंट्रोल द फोकल लेंथ ऑफ द क्रिस्टलाइन लेंस ऑफ द आई। आँख की जो ये वाली चीज़ें होती हैं ना, ये मसल्स होती हैं, ये जो है हमारी कंट्रोल करती हैं फोकल लेंथ, क्रिस्टल जो लेंस है हमारा उसकी फोकल लेंथ को कंट्रोल करती हैं। नेक्स्ट है सिलेरा इज़ द वाइट पार्ट। ये वो वाइट पार्ट होता है हमारा, ये वाला हिस्सा वाइट पार्ट, जो कि ये वाला देखो, ये वाला पार्ट है जो काफ़ी थिक होता है, हमारी आँख को प्रोटेक्शन देता है ये वाला हिस्सा। नेक्स्ट है हमारे पास कोरोइड। कोरोइड जो है वो ऑक्सीजन देता है हमारी आई को और नरिशमेंट भी देता है हमारी आउटर लेयर को, रेटिना की आउटर लेयर को। अब रेटिना क्या है? रेटिना अब हमारा ये अंदर वाली लेयर है जो कि रेड है, इसमें ये वाली लेयर है, इसे कहा जाता है रेटिना। इसी पर हमारा जो है एक जो इमेज हम देखते हैं वो यहीं पे बनती है, इसी के अंदर। नेक्स्ट है हमारा ऑप्टिक नर्व। तो ये ऑप्टिक नर्व्स जो हैं वो ये वाली नर्व्स होती हैं जो हमें ये दिखाई दे रही हैं ब्लू और रेड कलर की। इसके बाद फोवियन मैकुला, ये जो है हमें हेल्प करते हैं जब हम रीड करते हैं कुछ, या ड्राइविंग करते हैं, या फिर कोई ऐसी चीज़ देखते हैं जिसमें हमें फाइन डिटेल्स देखने की ज़रूरत पड़ती है, तो ये वो वाला हिस्सा है जो इसमें हमारी मदद करता है। नेक्स्ट है हमारे पास लेंस। लेंस हमारा वो ट्रांसपेरेंट और एडजस्टेबल टिश्यू होता है प्यूपिल और रेटिना के बीच में, तो ये वाला वो हिस्सा है जिसको हम लेंस बोलेंगे, ये वाला हिस्सा। प्यूपिल है हमारा वो स्मॉल अपर्चर है, ये वाला हिस्सा, ये बीच वाला एरिया, ये प्यूपिल है। यही वो वाला एरिया है जहाँ से लाइट जो है एंटर करती है आँख के अंदर। ओके, फिर है हमारा कॉर्निया। कॉर्निया वो थिन ट्रांसपेरेंट टिश्यू होता है जो हमारी आँख को कवर करके रखता है, दैट इज कॉर्निया, ये वाला हिस्सा। ठीक है, अब ये है आइरिस। नेक्स्ट, आइरिस हमारा ये वाला हिस्सा होता है, ये वाला हिस्सा हमारा वो पिगमेंटेड लेयर है जो हमें बाहर से आँख में हमें हमें गोल गोल दिखाई देते हैं ना, वो वाला एरिया है ये। और ये इसी एरिया में हमें जो है साइज़ को कंट्रोल करता है, ये प्यूपल के साइज़ को, जब इस पे लाइट पड़ती है तो ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, इसी तरीके से ये फैल भी जाता है जब लाइट नहीं होती। तो इसके अलावा भी कुछ इम्पोर्टेंट पार्ट्स होते हैं हमारी आई के अंदर, वो होंगे। तो ये हमारे पास कुछ और इम्पोर्टेंट पार्ट्स हैं हमारी आँख के। ये है सबसे पहला ब्लाइंड स्पॉट। ये वो वाला हिस्सा है जहाँ पे इमेज नहीं दिखाई दे सकती हमें, इमेज कैन नॉट बी सीन ऑन दिस। तो यहाँ पे इमेज नहीं दिखाई देगी, इसी को ब्लाइंड स्पॉट कहा जाता है। फंक्शन इज टू प्रोवाइड द होल और अ पाथ ऑफ फॉर ऑप्टिक नर्व फाइबर फ्रॉम आई टू द ब्रेन। तो ये वो वाला हिस्सा है जो हमें चीज़ प्रोवाइड कराता है कि जो हमारे नर्व्स हैं, नर्व फाइबर हैं जो हमारी आईज में प्रेजेंट हैं, वो हमारे ब्रेन तक सिग्नल लेकर जाएं। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास एक्वस ह्यूमर। ये वो वाटरी फ्लूइड होता है जो यहाँ पे फिल होता है टोटली इस एरिया के अंदर, और ये हमारी आँख के नरिशमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ये लेंस को भी नरिश करता है और कॉर्निया को भी। नेक्स्ट है हमारे पास विट्रेस ह्यूमर। तो ये जो है सेमी सॉलिड ट्रांसपेरेंट जेली लाइक है, जेली लाइक सब्सटेंस होता है जो इंटीरियर पोर्शन को कवर करता है आँख के। ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जिससे हमारी आई की जो शेप है वो मेंटेन रहती है और रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हमारा होता है इसके ज़रिए। ओके, तो ये वाला टॉपिक हमारा फिनिश। सो ये नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, हाउ इज एन इमेज फॉर्म्ड ऑन रेटिना ऑफ अवर आई। तो हमारी आँख में रेटिना के अंदर इमेज बनती कैसे है? तो ये हमारी जो आई होते हैं उसके अंदर कन्वेक्स लेंस होता है, कन्वेक्स लेंस आपको याद रखना होगा, हमारी आई के अंदर कन्वेक्स लेंस होता है। तो ये विच कन्वर्ट्स द लाइट रेज एंटरिंग इन टू अवर आईज थ्रू कॉर्निया एंड द प्यूपिल। जो कन्वर्ज करता है लेंस हमारी लाइट को जो आँख के अंदर आई है प्यूपिल में। अब द लेंस फोकसेस
लाइट रे ऑन द रेटिना, तो जो लाइट रे को फोकस करने का काम करता है लेंस, ओके, लेंस फोकस करता है सारी चीजों को. व्हेन अ डिमिनिश एंड इन्वर्टेड इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट इज फॉर्म्ड, तो ये डिमिनिश यानी कि छोटी और उल्टी इमेज यहाँ पे बनेगी. डिमिनिश यानी कि छोटी और इन्वर्टेड मतलब उल्टी इमेज बनेगी. और जो ये नर्व्स हैं यहाँ पे, ये भेजेंगे सिग्नल ब्रेन को कि देखो कुछ आया है, मेरे मेरे सामने कुछ आया है. तो ये उस इमेज को डायरेक्टली सीधा कर देगा, जिसकी वजह से हमें जो इमेज है वो अपराइट दिखाई देगी. तो ये हमारा इलेक्ट्रिक इम्पल्स काम करती है. इलेक्ट्रिक इम्पल्स जो है वो नर्व लेकर जाती हैं ब्रेन तक, ओके. तो इसलिए हमें जो है इमेज दिखाई देती है रेटिना की हेल्प से, रेटिना पर जो इमेज बनती है, ओके. इसके बाद एक टॉपिक है हमारा परसिस्टेंस ऑफ विजन. तो ये है वो एबिलिटी, जब हमें कोई चीज़ हम कोई ऑब्जेक्ट हमें सामने दिखाई देता है तो उसकी जो इमेज है वो हमारे रेटिना पे कुछ टाइम के लिए रहती है, जब वो ऑब्जेक्ट वहाँ से हटा लिया जाए. जब वो ऑब्जेक्ट वहाँ पे नहीं है फिर भी हमें उसकी इमेज कुछ बहुत ही शॉर्ट ड्यूरेशन, कुछ बहुत थोड़े समय के लिए हमें दिखाई देगी, जिसको हम बोलेंगे परसिस्टेंस ऑफ विजन. यानी कि ह्यूमन आई रिटेन करेगी उस इमेज को, वो उसकी एबिलिटी है, उस एबिलिटी को कहा जाएगा परसिस्टेंस ऑफ विजन. तो इसके केस में वेन एवर लाइट स्ट्राइक द रेटिना, जब भी इस केस में लाइट जो है वो रेटिना को स्ट्राइक करेगी, हिट करेगी, द इम्प्रेशन ऑफ इमेज सीन बाय द आई परसिस्ट ऑन द रेटिना फॉर अबाउट 1/10 और 1/15 सेकेंड. तो ये जो है इसकी इमेज हमारे रेटिना पे कुछ टाइम तक रहेगी. ये कितना बहुत ही कम टाइम है, 1 सेकेंड के अगर हम 10 हिस्से कर दें तो उसका एक हिस्से में हमें वो दिखाई देगा और उसके दूसरे हिस्से में नहीं दिखाई देगा. तो ये वाली चीज़ है कि इसी वजह से हमें वो चीज़ दिखाई देती है परसिस्टेंस ऑफ विजन की वजह से. अब इसके हमारे आपने देखा होगा कि विजन में डिफेक्ट्स हो जाता है. डिफेक्ट्स यानी कि किसी को चश्मा लग जाता है, किसी को अपनी आंखें दोबारा से जो है उसको ऑपरेशन करवाना पड़ता है उसको सही करने के लिए. तो ये डिफेक्ट होता क्या है और हम इसको कैसे ठीक कर सकते हैं. सो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डिफेक्ट्स ऑफ विजन, यानी कि हमें देखने में प्रॉब्लम होने लगती है तो वो क्या है उसके अंदर. When the lens in our eye is unable to focus the light ray coming from the object at retina, we do not see object clearly. तो जब हमें हमारा लेंस जो है उसको प्रॉब्लम होने लगता है फोकस करने में, लाइट रेज को जो किसी ऑब्जेक्ट से आ रही हैं रेटिना पे फोकस करने में प्रॉब्लम होने लगता है, तो तब हम चीज़ों को क्लियरली नहीं देख पाते. हमें वो ब्लर्ड या फिर उनकी बाउंड्री जो है वो सही से दिखाई नहीं देती. दिस इज कॉल्ड द डिफेक्ट ऑफ विजन, इसी को डिफेक्ट ऑफ विजन कहा जाता है. इसके कई सारे केसेस होते हैं, जैसे एक इसके अंदर इंफॉर्मेशन बड़ी ही इंटरेस्टिंग है. द लिस्ट डिस्टेंस ऑफ ए डिस्टिंक्ट विजन इज 25 सेंटीमीटर, यानी कि सबसे कम दूरी जो है वो हम 25 सेंटीमीटर से देख सकते हैं. और हम एक बुक को अगर अपनी आंखों के 25 सेंटीमीटर के से पास रखे तो हमें दिखाई नहीं देगा, उसे थोड़ा दूर रखना होगा. यही अब इसके बाद कुछ डिफेक्ट्स होते हैं हमारी आईज के अंदर, अगर कुछ प्रॉब्लम हो जाती है. एक है मायोपिया, हाइपर मायोपिया, एस्टिगमेटिज्म और दूसरा कॉन्ट्रैक्ट. तो सबसे फर्स्ट है हमारे पास यहाँ मायोपिया. तो इसका फर्स्ट है मायोपिया. मायोपिया का मतलब है नियर साइटेडनेस. अब इसके अंदर ए पर्सन हु कैन सी नियर ऑब्जेक्ट्स क्लियरली बट कैन नॉट फोकस ऑन डिस्टेंस ऑब्जेक्ट. जब एक व्यक्ति पास की चीज़ों को तो देख सकता है लेकिन उसको दूर की चीज़ें देखने में प्रॉब्लम होती है, वो फोकस नहीं कर पाता, उसको हम बोलते हैं मायोपिया, ठीक है, वो मायोपिक है. नेक्स्ट है हमारे पास हाइपर मेट्रोपिया. अब इसके अंदर देखो फर्स्ट वाले में क्या था, मायोपिया में जो इमेज है वो रेटिना पर बनने की बजाय थोड़ा आगे बन रही थी, जिसकी वजह से हमने एक कनकेव लेंस का यूज़ किया. और इस केस में कनकेव लेंस का यूज़ होगा जब हमें मायोपिया है जिसमें हमें दूर का दिखाई नहीं देता, ओके. नेक्स्ट है हमारे पास हाइपर मेट्रोपिया या फिर हाइपर मेट्रोपिक वाली स्टेट है. इसके अंदर हमें पास की चीज़ें नहीं दिखाई देंगी और दूर की चीज़ें सही दिखाई देंगी. और
इसका रीज़न है कि जो इमेज है हमारी वो लेंस के पीछे बन रही है काफ़ी दूर, और इसका फोकस पॉइंट काफ़ी अलग जगह पर है, और इसको यहाँ पर एग्जैक्ट जगह पर लाने के लिए हमें यूज़ करना होगा कन्वेक्स लेंस का, जो कि यहाँ पे दिखाया गया है। नेक्स्ट है हमारे पास एस्टिगमेटिज्म। एस्टिगमेटिज्म का में प्रॉब्लम होता है कि चीज़ें जो हैं सीधी, उल्टी या फिर कुछ टेढ़ी मेढ़ी दिखाई देती हैं, ये चीज़ें बिल्कुल भी हमें सही से दिखाई नहीं देती, यानी कि इनकी जो जगह है वो भी हमें थोड़ी डिफरेंट डिफरेंट सी दिखाई देगी। इसके लिए, इसकी करेक्शन के लिए किसी सिलेंड्रिकल लेंसेज का यूज़ किया जाता है, यानी कि जिस टाइप का हमें प्रॉब्लम है उसी तरीके से हमें वो ट्रीटमेंट देंगे। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट। सो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कॉन्ट्रैक्ट। ये डिफेक्ट जो है वो जनरली ओल्ड एज पीपल में होता है। ए कॉन्ट्रैक्ट इज़ अ डेंस क्लाउडी एरिया फॉर्म्ड ऑन द लेंस ऑफ द ह्यूमन आई। तो जैसे ये नॉर्मल ह्यूमन आई है, यहाँ पे क्लाउडी सरफेस आ जाता है जिसकी वजह से उनको उनको देखने में काफ़ी प्रॉब्लम होने लगती है, और इसके इसकी करेक्शन की जा सकती है स्मोकिंग को क्विट करके, हमारी आइज़ को यूवी रे से बचा के, हमें वो फ्रूट और वेजिटेबल्स खाने हैं जिनमें एंटीऑक्सीडेंट हो, और रेगुलर आई चेकअप करवाना होता है। इसके केस में देखने में प्रॉब्लम आती है, सबसे पहले रात को दिखना बंद हो जाता है, कलर नहीं दिखते, कलर जो है वो फेडेड दिखाई देंगे, डबल विजन होता है उस आई के अंदर। ओके, अब टेक्नोलॉजीज़ हैं कुछ विजुअली इम्पेयर्ड लोगों के लिए, जिनकी हेल्प से वो लोग पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं, और फिर सुन के भी हम वो लोग अच्छे से काम कर सकते हैं। तो इसके लिए है हमारे पास कुछ कुछ टेक्नोलॉजीज़ हैं जिनको हम ब्रेल सिस्टम या फिर ऑडियो बुक्स भी बोल सकते हैं। अब ये टेक्नोलॉजीज़ हैं जैसे अल्फ़ाबेट्स हैं इनके लिए ब्रेल जो है टाइपराइटर का भी यूज़ किया जाता है, कंप्यूटर में भी ब्रेल टाइपराइटर या फिर कीबोर्ड होता है। अब इसके अंदर बहुत सारे चैलेंजेस को फेस करना पड़ता है उन लोगों के लिए, और उन लोगों को जो है कंफर्टेबल करने के लिए ये ब्रेल लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जाता है। अब ब्रेल लैंग्वेज जो है उसका काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल होने लगा है, क्योंकि वो लोग देख नहीं सकते तो ये लोग उस सरफेस को छूकर बता सकते हैं, जैसे छूकर ये चीज़ें रेड कलर की हैं, ये थोड़ा सा उभरी हुई होती हैं, थोड़ा बड़ी होती हैं ये डार्क एरिया वाली साइड से, जिसकी वजह से वो समझ जाते हैं कि ये वाला अल्फ़ाबेट है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा न्यूट्रिशन फॉर हेल्दी आइज़। तो इसके लिए हमें डेफिशिएंसी हो जाती है जब विटामिन ए की जर्नली, तभी हमारी आंखों में प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, विटामिन ए से रिच फूड लेना चाहिए, जैसे कैरेट, टमाटो, ब्रोकली, ग्रीन एंड लीफी वेजिटेबल्स एट्सेट्रा टू आवर मील कैन प्रिवेंट एंड क्योर जीरो फ्लैथमिया। अब जो है इसके विटामिन ए ही नहीं, हमें विटामिन सी और ई भी हेल्प करता है हमारी आइज़ को हेल्दी रखने में। ओके, अब आपको पता है जो हम ऑक्सीजन इनहेल करते हैं वो भी हमारी रेटिना को डैमेज कर सकता है, यानी कि ऑक्सीजन इनहेल्ड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन प्रोड्यूस रेडिकल्स इन आवर बॉडी विच कैन डैमेज द रेटिना ऑफ आवर आइज़। यानी कि जो ऑक्सीजन हम इनहेल करते हैं उसकी वजह से हमारे शरीर में रेडिकल्स बनते हैं, फ्री रेडिकल्स, जो डैमेज कर सकते हैं हमारे रेटिना को। और जो है हमें ऐसे फूड लेने चाहिए जो विटामिन सी और ई है, जिनके अंदर एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो कि इन फ्री रेडिकल्स को न्यूट्रलाइज कर देंगे, और इन्हें जो रिसर्चर है वो इन एंटीऑक्सीडेंट्स को बोलते हैं कैरोटीनॉइड्स। ओके, कैरोटीनॉइड्स बोला जाता है इनको, और ये कलर्ड फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के अंदर पाए जाते हैं। तो ये चैप्टर हमारा यहाँ फिनिश होता है, दो पार्ट्स के अंदर ये चैप्टर है, तो आप इसको अच्छे से स्टडी करें, और इसके क्वेश्चन आंसर मैं आपको टेलीग्राम पे पोस्ट कर दूंगी। ओके, थैंक यू।